हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्लास थर्ड में मैंने आपको बताया था कि वन टक्स ब्लाउज की हम कटिंग कैसे करते हैं। आज मैं क्लास फोर में आपको बता रही हूँ कि वन टक्स ब्लाउज की सिंपली स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट पर रख कर इस टाइप से अटैच कर लेंगे। ये इस टाइप से फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे और बैक पार्ट को सीधी साइड से, और यहाँ पर इस टाइप से दोनों को अटैच कर लेंगे। ये दोनों शोल्डर्स को हम पहले सबसे पहले अटैच कर लेते हैं, देन इस टाइप से अटैच करेंगे। ये हमारा बैक को शोल्डर और फ्रंट के शोल्डर दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई दे ली है, आप चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप कच्ची सिलाई देकर फिर पक्की सिलाई दीजिए, ताकि आपको कोई भी पार्ट गलत ना जुड़े। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स ऐड करेंगे। ये ब्लाउज बहुत ही सिंपल होता है गाइस, आप इसे बहुत ईजीली तरीके से बना सकते हैं। ये कुर्ती जैसे बहुत ही ईजीली जल्दी बन जाता है। सो उसके बाद जो हमारा स्लीव्स का कट था वो हमारे शोल्डर की लाइन को टच करना चाहिए, और इधर का पार्ट इधर जुड़ जाएगा और आगे का पार्ट आगे जुड़ जाएगा। आगे छोटा वाला स्लीव्स का भाग जुड़ेगा और पीछे बड़ा स्लीव्स का भाग जुड़ेगा, और जो हमने सेंटर में स्लीव्स में कट लगाया था वो हमारा शोल्डर की सिलाई को टच करना चाहिए, और इस टाइप से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम हमारी दोनों स्लीव्स को ऐड कर लेंगे। सो इस टाइप से जो हमारा शोल्डर की सिलाई है, मैंने दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए जो सिलाई लगाई है, वहाँ हमारा जो सेंटर का हमें कट लगाया था वो सेंटर में कट टच होना चाहिए, ताकि हमारी स्लीव्स आगे पीछे से छोटी बड़ी नहीं होगी, बराबरी से लग जाएगी। सो इस टाइप से हम हमारी स्लीव्स को लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को इस टाइप से ही लगाएंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव्स को लगा लिया है, और हमारी स्लीव्स कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि हमने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए लगाई थी। अब हम आप चाहे तो इसमें तुरपाई के लिए पट्टी लगाते हैं, तो 1 से 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लेकर उसको फोल्ड करेंगे। मैं यहाँ पर सूट की जैसे हम पट्टी पलटते हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पर पलट रही हूँ, तो सबसे पहले उसको एक बार फोल्ड करेंगे, एंड अगेन फोल्ड करके मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी। मैं यहाँ पर दो सिलाई लगा दूंगी, तो वो भी फिनिशिंग से अच्छे से लगेगी, वो भी ब्लाउज में अच्छा लुक देगी। सो इस टाइप से मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी स्लीव्स में। सो दोनों स्लीव्स में हम यही करेंगे, एक बार फोल्ड कर देंगे, और आधा इंच फोल्ड करा मैंने, और फिर उसको अगेन फोल्ड कर देंगे। सो ये इस टाइप से एक बार फोल्ड करके एक और बार फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई दे ली है। ये इस टाइप से दोनों साइड से मैंने सिलाई दे ली है, यहाँ पर दोनों साइड मैंने सिलाई दे ली है। अब सिलाई देने के बाद हम यहाँ पर हमारी फिटिंग के साइड सिलाई दे देंगे। साइड सिलाई कैसे देंगे, हम अभी सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। उस यहाँ पर मैंने सीधे साइड से, जो हमारा सीधा पार्ट है जिधर की साइड हमारी अंदर सिलाई है उधर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाहर की साइड हमें सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से बाहर की साइड सिलाई लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो हमने टक्स, ये इस टाइप से मैंने सिलाई लगा दी है, वो हमारी सिलाई बाहर की साइड है, अंदर की साइड नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे आगे का फ्रंट पार्ट थे वहाँ पर हम इस टाइप से जो हमने टक्स लगाए थे वो सेंटर वाले को पकड़कर, जो हमारे आसपास के जो हम मैंने मार्क लगाए थे वहाँ पर हमारी सिलाई होनी चाहिए। सेंटर वाली मार्क को उठाएंगे, और जो हमने इधर आउटसाइड मार्क किए थे वहाँ पर हम सिलाई दे देंगे। और ये हमारे बैक के टक्स है, बैक टक्स में आधा आधा इंचेस की सिलाई लगाएंगे। ये इस टाइप से नीचे से आधा इंच लेंगे और ऊपर जाके बिल्कुल 0 0 नंबर की मशीन लगा देंगे इस टाइप से। और ये हमारे फ्रंट में हम 1 इंच का टक्स लेंगे, और बैक साइड में हम आधा इंच का टक्स लेंगे। सो यहाँ पर ये हम चारों टक्स लगा लेते हैं, दो हमारे फ्रंट के टक्स रहेंगे और दो हमारे बैक के टक्स है। सो ये आप देख सकते हैं मैंने बैक के टक्स बहुत ही छोटे छोटे से लगाए, और ये हमारे फ्रंट के टक्स, मैंने दोनों टक्स लगा लिए दोनों पार्ट के। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी एक उल्टी साइड से लगती है और एक सीधी साइड से लगती है, तो वो कैसे लगती है मैं आपको बताती हूँ। एक साइड जो हमारा इधर का भाग रहता है, उधर की साइड हम क्या करेंगे, हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी हम ऊपर की साइड से लगाते हैं और आई पट्टी हम अंदर की साइड से लगाते हैं। तो मैंने आई पट्टी को अंदर की साइड पिन कर लिया है, और हुक पट्टी को मैंने ऊपर की साइड रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिलाई दे दूंगी, अंदर की साइड से वाली ये हमारी आई पट्टी रहेगी, और जो ऊपर की साइड है यहाँ पर भी मैं सिलाई दे देती हूँ। दोनों को हम टच कर लेते हैं, इस टाइप से यहाँ पर सिलाई दे देते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई दे ली है, ये हमारी हुक पट्टी रहेगी, और जो हमारी बाहर की साइड से है वो आई पट्टी रहेगी इस टाइप से। अब इसको कैसे अंदर की साइड फोल्ड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो ये इस टाइप से जो हमारी पट्टी है, एक बाहर की साइड उल्टी है और एक बाहर की साइड सीधी है। सो किस टाइप से इसको पलटेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ।
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच करीब कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। पहले इस टाइप से मैंने फोल्ड कर लिया है और ये फिर फोल्ड कर देंगे, और एक सिलाई हम बिल्कुल कॉर्नर पर लगाएंगे, और जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी डबल सिलाई हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी हुक पट्टी। एंड आई पट्टी इस टाइप से पलटेंगे, यहाँ पर पहले इस टाइप से कपड़े को फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड, और जो हमने सिलाई लगाई है वो अंदर की साइड लेते हुए ये ऊपर की साइड पट्टी रहेगी। ये ऊपर हमारी दिखती है, ये विजिबल नहीं होती। हुक पट्टी हमारी विजिबल होती है और ये इनविजिबल होती है। सो ये इस टाइप से हमारा ब्लाउज का पैटर्न रहता है। ये हमारी आई पट्टी होती है, ये आई पट्टी। अब हुकाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हुकाई कैसे लगाते हैं, परफेक्ट हुकाई कैसे लगाते हैं। सो मैंने यहाँ पर हुकाई पट्टी को ज्वाइन कर लिया है, ये इस टाइप से मैंने सिलाई दे ली है। यहाँ पर ये हमारी आई पट्टी हो गई है और हुक पट्टी भी मैंने लगा ली है। अब मैं नीचे भी इस टाइप से डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो तुरपाई के लिए अगर पट्टी लगाते हैं, तो हम अभी सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो अभी हम तुरपाई पट्टी नहीं लगा रहे हैं, इसको ही फोल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं इस टाइप से एक बार फोल्ड करके पूरे ब्लाउज में ऑल ओवर को डबल फोल्ड कर दिया है और सिलाई दे ली है। यहाँ पर मैंने दो दो सिलाई दी है, जिसे हम सूट में पलटते हैं। सो इस टाइप से मैंने पलट दिया। अब हमें सिर्फ इसमें क्या लगाना है, इसमें हमें लगाना है पाइपिंग। सो पाइपिंग जो हमने पट्टी कट की थी पिछली वीडियो में, सो उनको सबको ऐड कर लेंगे। सो जो कैसे ऐड करेंगे, एक पट्टी को इस टाइप से, हमारी पट्टी तिरछी तिरछी है, सो इस टाइप से हम ऐड करेंगे। ये यहाँ से इस टाइप से इसको ऐड करेंगे, जो है हमारी पट्टी अलग अलग क्रॉस में है उनको इस टाइप से ऐड करते जाएंगे, तो हमारी पाइपिंग पलटती नहीं है। ये इस टाइप से मैंने पट्टी बना ली है, सारी पट्टियों को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हम आई पट्टी की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये मैं अंदर की साइड पहले फोल्ड कर दूंगी, और इसको जो हमारी पट्टी है 1.5 इंच की मैंने कट की थी, इसको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर लगा लेंगे। सबसे पहले मैंने इसको एक बार फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हम ऑल ओवर में इस टाइप से सिल देंगे। यहाँ पर ऑल ओवर में ऐसे ही सिलाई दे देंगे, पहले हम डायरेक्टली पलटेंगे नहीं, पहले हम ऑल ओवर में इस टाइप से डबल फोल्ड करके पूरी पाइपिंग, जितना भी हमारा गला है फ्रंट से लेके बैक तक, यहाँ तक हुक पट्टी तक इस टाइप से फोल्ड करेंगे, और एको बार फोल्ड करके यहाँ पर इसकी सिलाई दे देंगे, यहाँ पर सिलाई दे देंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस टाइप से पूरे गले में, हमारे फ्रंट और बैक दोनों गले में सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी सिलाई देने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की साइड ले लेंगे, हमारे पाइपिंग के अंदर की साइड ले लेंगे, और इसको फिर अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पर सिलाई दे लेंगे। तो हमारा कपड़ा, जो कपड़ा जहाँ से बाहर आ जाता है वहाँ से हमारी पाइपिंग पलट जाती है। सो ध्यान रखिएगा, कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए, हमारी पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगी अगर हमारा कपड़ा बाहर नहीं आता है। सो इस टाइप से मैं फोल्ड करते हुए ऑल ओवर में लगा लिए मैंने पाइपिंग। अब जो हमारी फिटिंग के लिए हमने बाहर की साइड लगाई थी, अब उसको अंदर की साइड इस टाइप से पलटेंगे, और जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा, हम पहले स्लीव्स की बॉटम का मेजरमेंट ले लेंगे, चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे, और फिर हमारी कमर का मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर फिटिंग दे देंगे। जितनी भी हमारी फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम कमर मेज़र कर लेंगे कि हमारे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, और उसके हिसाब से हम दोनों साइड बराबर फिटिंग दे देंगे, और ये हमारा ऑल ओवर ब्लाउज रेडी हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम हुकाई कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।